नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रायवाला में सीएम धामी ने गंगा शहर महोत्सव और संत सम्मेलन की शिरकत, तो सचिवालय में पालना केंद्र का किया उद्घाटन। स्मार्ट क्लासेस से लेकर बिस्तर तक की व्यवस्था। यूसीसी लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही प्रदेश सरकार। यूसीसी विशेषज्ञ कमेटी ने की करीब सभी प्रक्रिया पूरी। पूरी तरह से तैयार करके जल्द सौंपा जाएगा ड्राफ्ट। कॉलोनियों से हटाए जा रहे हैं लोगों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री रावत का धरना। भाजपा प्रवक्ता विपिन कंथौले ने ली चुटकी, कहा मुख्यमंत्री हरीश रावत है धरना एक्सपर्ट। पर्यटन में आपसी सहयोग के लिए उत्तराखंड और गोवा में एमओयू, दोनों देश मिलकर करेंगे काम। मुख्यमंत्री धामी ने कहा यह पहल बाकी राज्यों को भी करेगी प्रेरित। और बेलगाम अफसरशाही पर विराम लगाएगी धामी सरकार। जून से सभी प्रमुख नौकरशाही करेंगे जिलों का दौरा। जिलों में भ्रमण का कैलेंडर जारी। और अब खबरें विस्तार से। रायवाला में गंगा दशहरा महोत्सव और श्रीमद् भागवत समता ज्ञान और यज्ञ संत सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। तो जो पुण्य आपको पूरे संपूर्ण जीवन भर पुण्य को एकत्र कर रहे हैं और रूप के लिए एकत्र कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए अपने को आपने पूरी तरह से समर्पित किया हुआ है। एक एक पल और एक एक क्षण आपने माँ भारती को समर्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, धर्म को, संस्कृति को, अध्यात्म को समर्पित किया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने शुभ कार्य में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में छोटे बच्चों के लिए बनाए गए पालना केंद्र का उद्घाटन किया। सचिवालय में संचालित पालना केंद्र का गुजरात और उत्तराखंड की कंपनी के रेनोवेशन किया गया है, जिसके तहत इस केंद्र में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस, उनके आराम के लिए बिस्तर तक की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्वच्छ पानी और भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था स्मार्ट क्लासेस रूप में बनाए गए हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मनोरंजन के संसाधनों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पालना केंद्र के बनने से सचिवालय में काम करने वाले महिलाओं के बच्चों को बेहतर परवरिश मिल सकेगी, जिसके लिए इस केंद्र में सभी व्यवस्थाएं की गई है। काम करने वाली जो कार्मिक है, क्योंकि पहले से यहाँ पर ये पालना इस प्रकार का चल रहा था, उसको थोड़ा नए रूप सुसज्जित तरीके से किया गया है और बच्चों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके विश्राम के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। इसके होने से हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा परिवेश यहाँ पर मिलेगा, उनके लालन पालन में ये सहायक होगा और जो हमारी समृद्ध धरोहर है, हमारे बच्चे आगे बढ़े, निश्चित रूप में ये उनके लिए एक बड़ा काम करेगा। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूं और बहुत कम समय में बहुत शानदार इसका निर्माण कार्य 18 दिनों में हुआ है। मैं उसके लिए सभी को, जो हमारा ये बाल विकास विभाग जो इसका नोडल डिपार्टमेंट है, कार्यदायी संस्था है, उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने शानदार काम किया है और हमारे कार्मिकों को भी, सचिवालय के लोगों को भी।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। पिछले साल चंपावत उपचुनाव में ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में यूसीसी के परीक्षा और क्रियान्वयन की लगभग सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसको लेकर जून के अंत तक प्रदेश में कानून के रूप में लागू भी किया जाएगा। यूसीसी विशेषज्ञ कमेटी 24 और 25 मई को 2 दिन सभी आयोगों के अध्यक्ष और मुख्य पत्रकारों के साथ में संवाद करेगी और उनके विचारों को ड्राफ्ट में सम्मिलित करने के लिए बैठक करेगी। इसके बाद ड्राफ्ट को पूरी तरह से तैयार करके सरकार को सौंप दिया जाएगा। यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय, हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और एक साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार के बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कहा है कि अपनी अपनी भूमि को चिन्हित करके उसका रजिस्टर भी मेंटेन रखे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि धार्मिक स्थल की आड़ में अतिक्रमण करने वालों से पहले ही कहा गया था कि वो अतिक्रमण को खुद ही हटा ले, जिसके बाद कई लोगों ने अतिक्रमण को हटा लिया था। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री ने धन्यवाद भी किया है, जबकि जिन लोगों अतिक्रमण को नहीं हटाया है उनके लिए प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। पहले दिन से हमने कहा है कि अतिक्रमण है, धार्मिक चीजों की आड़ में जो भी अतिक्रमण है या अन्य प्रकार का अतिक्रमण है, वन भूमि पर है, किसी अन्य भूमि पर है, उसको एक हमने शुरू में कहा कि स्वतः ही उसको हटा लें, और जिन्होंने हटा लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और जहां पर नहीं हटा है उसको प्रशासन विधिवत रूप से और वैधानिक रूप से उसको हटाने का काम करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में अभिनेता अक्षय कुमार ने मुलाकात की। उत्तराखंड को नए फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किए जाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य दिन प्रतिदिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। उत्तराखंड का नर्सिंग सौंदर्य फिल्मांकन के लिए लोगों को आकर्षित करता है। अभिनेता अक्षय कुमार ने बताया कि उन्हें केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ के दर्शन का अवसर मिला। उन्होंने केदारनाथ धाम में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रशंसा की। वहीं सीएम धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास परिसर का भी भ्रमण किया। पर्यटन के कई आयामों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड और गोवा राज्य मिलकर कार्य करेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंटे ने एमओयू किया है। समझौता ज्ञापन पर सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे और गोवा के पर्यटन निदेशक सुनील अचिंपका की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये पहल अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगी। गोवा से देहरादून की पहली डायरेक्ट उड़ान को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। इसी सीधी उड़ान सेवा का लाभ दोनों राज्यों के नागरिक भी उठा सकेंगे, जिससे दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेलगाम अफसरशाही पर विराम लगाने के साथ साथ अब उन्हें पहाड़ चढ़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया है, उनके निर्देश पर शासन के अधिकारियों के दौरे तय हो गए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाह को पहाड़ चढ़ाने जा रही है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी हो गया है। भ्रमण कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी साल भर हर 15 दिन में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान उन्हें किसी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। We'll be right back.
मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू के अनुमोदन के बाद सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार के जिलों के भ्रमण की ये व्यवस्था आगामी जून महीने से शुरू होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था हम लोग समाप्त करते हुए हम सचिवों को प्रत्येक महीने एक एक जनपद में भ्रमण के लिए निर्देशित कर दिया जाए। भ्रमण का कैलेंडर हम लोग बना रहे हैं और उसके बाद हम मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेकर के जीवो इश्यू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्देश की हर तरफ सराहना होने लगी है। बीजेपी जहां इसे पहाड़ी राज्य के सरकार की अभूतपूर्व पहल मान रही है, तो कांग्रेस अब भी सवाल खड़े कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश में प्रशासन को और अधिक जन उन्मुखी बनाने और जनता की समस्याओं को यथास्थान सुनने और समझने के लिए प्रदेश के आला अधिकारियों को पर्वतीय क्षेत्रों का दौरा करने का निर्देश दिया है। इसमें अपर मुख्य सचिव से लेकर अन्य सभी अधिकारी पर्वतीय जिलों में जाएंगे, वहां जनता से संवाद करेंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। इससे जनता से उनका सीधा संवाद हो सकेगा। मुख्यमंत्री जी की प्रत्येक बात का स्वागत है। जो बात वो कहते हैं कि जनता के हित में हम ये काम करेंगे, स्वागत है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो अतीत की बातें कही हैं उनका क्या हाल है वो भी जरा पता चलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप अधिकारियों को पहाड़ चढ़ाइए, लेकिन आप ही की सरकार में गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? आज वो किस हाल में है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। उत्तराखंड को 2025 में देश का अग्रणी राज्य बनने के लिए सशक्त उत्तराखंड एट 25 के तहत शासन ने जिलों के प्रभारी सचिव की व्यवस्था को समाप्त किया, ताकि इस व्यवस्था में प्रभारी सचिव एक जिले तक सीमित ना रह सके। उत्तराखंड से श्रीनिवास पंत की रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में कॉलोनियों से हटाए जा रहे लोगों के समर्थन में एक घंटे का मौन उपवास किया, जिस पर भाजपा के प्रवक्ता विपिन कंथौला ने चुटकी ली है। कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरना एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री धरना पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि जो भी कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेसी अतिक्रमण करने वालों के साथ है। हरीश रावत जी तो धरना एक्सपर्ट, उनको महारत हासिल है धरने में बैठने की। वो जो अपनी पार्टी के खिलाफ धरने में बैठ जाते हैं, जो व्यक्ति वो इस प्रकार के धरना पॉलिटिक्स करते रहते हैं, किसी प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के इसी चीज़ें करते रहते हैं। सारी जो अतिक्रमण को लेकर के कार्यवाहियाँ हो रही हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी इंक्लूजमेंट है उनको साफ किया जाए, क्योंकि बहुत सारी विकास की योजनाएं, बहुत सारे सामुदायिक केंद्र लोगों के लिए बनाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों के लिए करनी होती है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र और हरीश रावत जी का दोहरा चरित्र यहीं पे दिखता है। हम जब तक भाजपा को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, हम इस अपने शौक को बनाए रखेंगे। ये कह देना हरीश रावत ने कहा है, जब तक भाजपा को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तो धरना देने के अपने शौक को हम बनाए रखेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देवभूमि, प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन विरासत को समेटे विश्व के लिए अध्यात्म और शांति का प्रतीक है, जहां जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता का बड़ा महत्व है। रामनगर में राज्य की पहली G20 बैठक के सफल आयोजन के बाद अब पवित्र नगरी ऋषिकेश में होगा G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन, जहाँ G20 समूह के सभी देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब लोगों को घर बैठे आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध हो रही हैं।
भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य उत्तराखंड घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों की पसंद बनकर उभर रहा है। नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिकायत समाधान प्रणाली को भी मजबूत बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 नागरिकों को सीधे राज्य सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने और समय पर समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी तरीके से निवारण हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 से नागरिक भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार और राज्यवासी G20 सम्मेलन में भाग लेने आए सभी डेलीगेट्स का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर एक तरफ सरकार को बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य सरकार की इस कार्रवाई को राजनीति के फायदे के लिए कार्रवाई बताई जा रही है। उन्होंने कहा है कि कई कॉलोनियों का अवैध बताकर लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो कहीं धार्मिक स्थानों के नाम पर केवल मजारों को ही तोड़ा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि सरकार अतिक्रमण के खिलाफ अगर इतना ही गंभीर है तो पहले एक पॉलिसी बनानी जरूरी है, जिसमें 100 सालों से बने मंदिर और मजारों के लिए एक नियम लागू होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों का उत्पीड़न कर रही है। अतिक्रमण के नाम पर जो उत्पीड़न हो रहा है और अंधाधुंध उत्पीड़न हो रहा है, जो आजादी से पहले से बसे हुए लोग हैं उनका भी उत्पीड़न हो रहा है, जो राज्य बनने से पहले से बसे हुए हैं उनका भी उत्पीड़न हो रहा है, जो भूमिहीन है उनका भी उत्पीड़न हो रहा है। किसी ने अपना घर जरा सा किसी सरकारी भूमि में थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो उसका बुलडोजर लगा करके उसको भी जो है उसका उत्पीड़न हो रहा है। पूजा के स्थलों का भी जो है, अब मैंने एक सूची देखी जिस सूची में जो है गर्जिया देवी हमारी आराध्य देवी है, पूरे जो है कुमाऊं और गढ़वाल की गुजरू और इस इलाके की जो है आराध्य देवी है, उसको भी कहा है ये अतिक्रमण है। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली ढेक झील क्षेत्र का अधिकारियों के साथ में निरीक्षण किया। डीएम भंडारी ने निरीक्षण के दौरान बोट संचालकों से वार्ता की और उनकी समस्याओं को भी जाना, साथ ही साथ समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। डीएम भंडारी ने कहा कि झील क्षेत्र के सौंदर्यकरण का कार्य करवाया जाना है ताकि पर्यटकों को अच्छी सुविधा मिल सके और संख्या में बढ़ोतरी हो। सौंदर्यकरण के लिए 19 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी है, जिसमें टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। बिस्कोट अभी काम कर रही है जो बताया गया, और हमने 19 लाख दिए हैं एंटाइड फंड से। इसमें यहाँ पे जेटी और टिकट काउंटर और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे, और हम चाह रहे हैं कि इस पे एक ब्रिज लगा के जो नाप लैंड है उधर, ताकि क्रॉस कर सके और एक साइकिलिंग ट्रैक बन सके, ताकि जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं वो साइकिल भी कर सके इधर और पूरे दोनों तरफ। तो उसका भी प्लानिंग किया जा रहा है और कोशिश किया जाएगा कि इसको इको टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप हो, और फ्यूचर अभी हम सुलभ शौचालय भी यहाँ पे प्लान करेंगे, और एक क्योंकि ये यहाँ पे पर्यटक धीरे धीरे बढ़ेंगे और यहाँ पे जॉर्बिंग की भी परमिशन दे दी गई है, जॉर्बिंग बॉल भी आएगी, ऐसे ही फ्यूचर में जिप लाइन भी आ सकती है। तो इसकी संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल का
डाउन द ईयर 10-20 ईयर्स में जो बढ़ेगा उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। टिहरी के प्रताप नगर के केंद्र बिंदु लंब गांव बाजार में वन विभाग और पुलिस की टीम ने रैली निकाली और लोगों को जागरूक करने का काम किया। पहाड़ों में इस वर्ष अभी तो इतनी गर्मी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पहाड़ों में कई जगह पर आग देखने को मिल रही है। हिदायत दी है कि यदि किसी के द्वारा वनों में आग लगाई जानी पड़ी तो उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के नगर निगम चौक पर 26 जिला पंचायत मेवर खुर्द के ग्रामीणों ने हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद का पुतला फूका है और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत सदस्य मेवर खुर्द सपना चौधरी, ग्राम प्रधान बेलडा सचिन चौधरी के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की गई है, जिसको लेकर अधिकारियों के द्वारा जांच समिति की बैठक की गई, लेकिन जांच में लगातार विलंब किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के संरक्षण में इन्हें बचाने का काम किया जा रहा है। अगर अगले एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट नहीं मंगाई जाती तो क्षेत्र के समस्त ग्रामीण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आप सभी लोगों को पता है, पिछली बार भी कई बार हम लोग सब जिला पंचायत 26 मेवड़ खुर्द के जितने भी सम्मानित मतदाता है उन्होंने अपने मत का सही ढंग से प्रयोग किया था, लेकिन 26 मेवड़ खुर्द पर जिस तरीके से सपना और सचिन के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों को निर्वाचन आयोग को गुमराह कर यहाँ के SDM को गुमराह कर यहाँ के DM को गुमराह करके जिस तरीके से फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चुनाव लड़कर उस पर जो है उसको अपने हाथ कब्जे में लिया है, उनके पत्रों की जांच की हम बार बार मांग कर रहे हैं। ये सारे पद पर, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो यहाँ का मूल निवास हो, चाहे इनके परिवासी की नकल हो, सारे के सारे जितने भी फर्जी इनके प्रमाण पत्र हैं उनको सूचना के अधिकार के माध्यम से पहले भी ले लिया गया है, और इस विरोध में जो प्रमाण पत्र इन्होंने फर्जी लगाए हैं पूरे इस सीट के जितने भी मतदाता हैं उनके अंदर आक्रोश है, वो चाहते हैं कि इनके प्रमाण पत्रों की जांच हो। तो आप लोगों को बताया, कई बार प्रेस वार्ता भी हुई इस मामले में, और कई बार हमने 4 मई में शायद SDM साहब को ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जीरो टॉलरेंस की सरकार कहाँ है? जीरो टॉलरेंस की सरकार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, एक स्वच्छ रूप से मतदाता ने अपने स्वच्छ मन बुद्धि से वोट दी और वो भी ऐसे आदमी को वोट दे दी जिसके कागजी फ्रॉड है, सारे फर्जी है, 3-3 जगह उसका राशन कार्ड चल रहा है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, 3-3 जगह उसकी मूल्यवास और जाति प्रमाण पत्र बने हुए 3-3 जगह के, तो ऐसा 3-3 जगह निवासरत आदमी का जो दिखाया जा रहा है और फिर भी उसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो साहब मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन किसके दबाव में है और ये जीरो टॉलरेंस की सरकार किसके दबाव में काम कर रही है। लालकुआ के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित कबाड़ की दुकान में अज्ञात कारणों से अचानक से आग लग गई, जिससे दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। इसी दौरान तेज धमाके के साथ दुकान में रखा बड़ा गैस सिलेंडर फट गया, जिसके धमाके से दुकान के परखच्चे उड़ गए, साथ ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। 12 बजे के लगभग लगी है, यहाँ के लोगों ने सूचना दी, लड़के लेके बाल पे आए, देखा तो यहाँ बहुत तगड़ी आग लगी थी, इसमें इनका ताजा खाली हमारा बनाने के लिए लाए थे, करीबन करीब 1.5 लाख से ऊपर एक नुकसान। टकनपुर चंपावत NH में धोन के पास भारी भरकम चीड़ का पेड़ गिर गया, जिस कारण से NH लगभग 2 घंटे बंद रहा। NH बंद होने के साथ ही दोनों और कई वाहनों और यात्री फंस गए। NH बंद होने की सूचना पर 30 किलोमीटर दूर लोहाघाट से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद वुड कटर की सहायता से भारी भरकम पेड़ को काटा। NH खुलने के बाद ही यात्रियों प्रशासन ने राहत की सांस ली। सुबह हमारे पास DCR से सूचना मिली, DCR से डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, हमारे पुलिस कार्यालय से तो सूचना मिली, तो सूचना मिलते ही हम 5:08 की बात थी, जिसमें हमारी टीम
तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। वहां विशालकाय पेड़ चीड़ का पेड़ गिरा हुआ था और पेड़ गिरने का कारण पूरे सड़क में यातायात बाधित था। तो फायर सर्विस की टीम द्वारा जिसमें कि चालक राजेश खरगवाल, नीरज राणा लीडिंग फायरमैन और फायरमैन प्रमोद कुमार और अजय मटियाल ये लोग टीम में शामिल थे, इन्होंने बुडन कटर की सहायता से पूरा पेड़ काटा और साथ ही वहाँ जेसीबी भी थी उसकी मदद से यातायात को चालू करवाया, चीड़ के पेड़ हटा। खनेड़ा किसाला के पास मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे पर बंद के आसार हो गए। हाईवे बंद होने की सूचना मिलने पर प्रशासन ने यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया। वहीं हाईवे को खोलने का काम जारी है। मंगलवार देर शाम को उत्तरकाशी जिले के सभी क्षेत्रों में तेज बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। हाईवे पर पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आ गया। बारिश ने चारधाम यात्रा की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। उत्तराखंड में 24 से 26 मई तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 24 और 25 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 26 मई को येलो अलर्ट रहेगा। 27 से मौसम फिर से शुष्क रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक ओलावृष्टि, बारिश, बिजली चमकने के और 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के येल्लो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। सभी जिलों में डीएम और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। वहीं चारधाम यात्रा आने वाले लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की गई है। अगर पीक की बात करें तो 24 और 25 को जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो है वो अनेक जगहों तक में या ज्यादातर जगहों तक में 24 और 25 में वो रहने वाली है। 26 तारीख को कहें तो ये जो है अनेक जगहों तक में उसके दौरान भी इन डेट्स में भी रहेंगी। इसके साथ साथ अगर वार्निंग की बात करें तो हमने जो है 24 और 25 के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट रखा है, क्योंकि इस दौरान जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगी वो मॉडरेट से सीवियर तक भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। तेज आंधी से हरिद्वार के ज्वालापुर में जगह जगह पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बरसों पुराना एक भारी भरकम पेड़ टूटकर मकान और बीच बाजार में जा गिरा, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने पेड़ के नीचे दबे 3 लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं 10 साल के बच्चे की पेड़ के नीचे दबने से मौत हो गई। है 2-3 बच्चे हैं। अच्छा। और शायद वो चाट वाला भी है। अच्छा, उसमें है जी। अच्छा, जिनका आपका फोन आया था वो आ रहे हैं लेने के लिए। ठीक है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।